गुड मॉर्निंग डियर पीपल्स, दिस इज योर जीके क्लास। बच्चे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पेज नंबर 45 तक हम लोगों ने फिनिश किया था, उसको समझा था। देन वी आर ऑन पेज नंबर 46 नाउ, जिसमें बच्चे मैथमेटिकल कंसेप्ट हैं, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया भी था। तो चलिए, ये जीके से थोड़ा सा हटके है, इसमें मैथमेटिक्स यूज है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीड द रिडल्स एंड गेस द नेम ऑफ द मैथमेटिकल टर्म्स और फिगर्स। रिडल मतलब होता है बेटे पहेलियां, पहेलियों को पढ़ो और उनसे आंसर को फाइंड आउट करो। लेंथ इंटू ब्रेथ, इंटू का मतलब क्या बच्चे, मल्टीप्लाई। लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, वेन यू टेक, जब इनको तुम लेते हो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनता है, इसको मल्टीप्लाई करके क्या आता है, दैट इज एरिया। हमारे पास सबसे अच्छी चीज है वो क्या है, हमारे पास गिवन है क्लूज की फर्स्ट में ए भी है, लास्ट में ए है, इट विल बिकम एरिया, ए आर ई ए, एरिया। नेक्स्ट देखो बच्चे, बाउंड्री ऑफ अ फिगर क्लोज्ड एंड प्लेन इज माय नेम, यू कैन एक्सप्लेन। बाउंड्री, बाउंड्री मतलब आपको पता है आउटलाइन, किसका, किसी भी फिगर का जो कि क्लोज है, प्लेन है, इज माय नेम, वो मेरा नाम है, यानी कि इस बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक है, ये हमारे पास, मान लो ये हमारे पास फिगर है, इसको क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल या स्क्वायर। अभी स्क्वायर हम उसको बोलते हैं जिसकी चारों साइड सेम हो, रेक्टेंगल में इसकी साइड दो साइड, एक पेयर सेम होता है, एक अलग होता है। मान लो भी हमारे पास एक नॉर्मल फिगर है, ए साइड, बी साइड, सी साइड, डी साइड, हम इनका सम करते हैं, दैट इज पेरीमीटर। क्लू गिवन है, पी गिवन है, आर गिवन है, फिल कर देंगे पेरीमीटर। थर्ड है, फ्रॉम सेंटर टू सर्कमफेरेंस आई एम द लाइन। सेंटर किसका, सर्कल का, सर्कल के सेंटर से सर्कमफ्रेंस के बीच की लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस, आर ए डी आई यू एस, रेडियस। अ क्लोज्ड फिगर विद फाइव साइड्स एंड एंगल्स, नो माय नेम, डू नॉट गेट इनटू टैंगल्स। अब ये क्या है, फाइव साइडेड जो लाइंस रहती हैं, एक फिगर रहती है, उसको बोलते हैं पेंटागन। पेंट, पेंट मीन्स फाइव, पेंटागन ए क्लोज्ड फिगर जिसमें फाइव साइड्स हों, उसको बोला जाता है पेंटागन। सेम, अगर पांच की जगह छह साइड्स हैं तो आप आगे पढ़ोगे केमिस्ट्री में, उसको बोलते हैं हेक्सा, हेक्सा मीन्स सिक्स, तो हेक्सागन, एक क्लोज्ड फिगर जिसमें छह साइड्स हैं, दैट इज हेक्सागन। लास्ट है, इक्वल इन लेंथ फॉर ऑल टू सी आर द थ्री साइड्स ऑफ मी। ट्रायंगल है बेटे जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हैं, इक्वल मतलब कि सेम, मान लो ये सिक्स है तो ये भी अगर तीनों साइड सेम है, सो दैट ट्रायंगल इज नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ई क्यू यू आई एल ए टी ई आर ए एल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं बेटे, दैट इज पजल टाइम। वन ऑफ द फिगर इन ईच क्वेश्चन इज ओड, फाइंड इट आउट। हमारे पास बच्चे जैसा आपको दिख रहे, चार चार जो है वो पिक्चर्स गिवन है, इनमें से एक एक जो है वो डिफरेंट है, वो हमें बताने हैं कि फाइंड द ओड वन आउट में। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो, डिफरेंट क्या है, इजीली पता लगाया जा सकता है ये डिफरेंट है क्यों। देखो, इसमें आपके पास क्या गिवन है, दो लाइंस गिवन है, इसमें चार गिवन है, इसमें भी कितनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, यानी कि ये क्या है, इवन है, दो चार आठ, ये इवन है, लेकिन थ्री नंबर क्या है, ओड नंबर है, यहाँ पे ये नहीं है ना, अगर यहाँ पे भी ना होता तो हमारा आंसर ना होता, लेकिन ये क्या है, ओड नंबर है, इसीलिए ये अलग है। इसकी बात करें, इसमें आप ध्यान से देखो, यहाँ पे भी डबल है, डबल है, डबल है, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल लाइन, डबल डबल डबल, लेकिन यहाँ पे एक डबल लाइन नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज डिफरेंट। थर्ड की बात करें बच्चे, तो आप देखो, आपके पास जो ये बिल्कुल मिडल में एक ओवल शेप गिवन है, जिसमें आपके पास दो डॉट्स गिवन है, एक लाइन है, दो डॉट्स गिवन है, दो लाइन है, दो डॉट्स गिवन है, दो डॉट्स गिवन है, लेकिन लाइन नहीं है, सो दिस इज योर ओड पार्ट। फोर्थ में देखते हैं बच्चे, हमारे पास ट्रायंगल्स तो सब में गिवन है, हमारे पास फिगर गिवन है, उसके अंदर की फिगर गिवन है, उसके अंदर और उसके अंदर, हमारे पास ये सब में गिवन है, लेकिन सबके में तीन में कॉमन क्या है, कि बीच में एक स्क्वायर जरूर बना है ट्रायंगल के बीच में, लेकिन इस ट्रायंगल के बीच में एक स्क्वायर नहीं बना, इसीलिए ये चीज सबसे अलग है। चलिए फिफ्थ की बात करते हैं, तो ये
कैसे ये फोर थ्री डिफरेंट क्यों है, क्योंकि सारी क्या है ट्रायंगल है, सबका जो सबका जो आउटलाइनिंग है दैट इज ट्रायंगल, एक दो तीन तीन साइड्स, एक दो तीन तीन साइड्स, एक दो तीन तीन साइड्स, लेकिन इसकी कितनी है चार, एक दो तीन चार, इसलिए ये ट्रायंगल नहीं है और इसलिए ये इसको चीज ओड बनाती है, अलग बनाती है। सो फोर्थ इज आर आंसर। चलिए पेज नंबर 48 देखते हैं, नंबर्स एंड शेप्स। ये भी आपका मैथमेटिकल है, अरेंज द नंबर्स इन द बॉक्सेस सो दैट व्हेन मल्टीप्लाइड, आपको क्या करना है, बॉक्सेस गिवन है, आपको इनको फिल करना है ताकि जब इनको मल्टीप्लाई करें तो इनका प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करने पे क्या आए 84 आए। जैसे यहाँ पे देखो 84 गिवन है, 6 गिवन है, तो यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लें कि उसको 6 से मल्टीप्लाई करके 84 आए। सो ईजी, आप उसको डिवाइड करके देख लो, 84 को 6 से डिवाइड करो आपके पास आएगा 14। ऑब्वियसली हमारे पास मैथ्स का छोटा सा रूल है कि जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 ही तो आएगा। इसी तरह से 84 हम यहाँ पे ऐसा क्या नंबर लें जिसको इससे मल्टीप्लाई करने पे 84 है, ऐसा करने के लिए हम उसको डिवाइड करके देख लेते हैं, 84 बाय 7 क्या हो जाएगा, 12 आ जाएगा। इसी तरह से सेम यहाँ पे भी रूल्स अप्लाई होता है, यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, जो मल्टीप्लीकेशन है वो 84 दे, लेकिन हमें नहीं पता तो हम 84 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 21 आंसर आ जाएगा। इन द सेम वे 84 बाय 2 42 होता है, तो हमारे पास 42 आंसर आ जाएगा। राइट द फर्स्ट थ्री मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18। सो इजी, आपको बताना है मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब मल्टीप्लाई, 12 को तीन बार मल्टीप्लाई करके बताना है, 12 टू जा 24, 12 थ्री जा 36, 12 फोर जा 48। 18 का टेबल करना है हमें चार बार, 18 वन जा 18, 18 टू जा 36, 18 थ्री जा 54, 18 फोर जा 72। अच्छा एक और चीज बोली है, विच मल्टीपल इज कॉमन इन बोथ, दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो 36 हमें कॉमन दिख रहा है, सो कॉमन मल्टीपल इज 36। इन द गिवन मैजिक स्क्वायर ईच साइड टोटल्स टू 102, फाइंड द मिसिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। ये इजी है हमारे पास, हमारे पास ये एक फिगर गिवन है जिसके अंदर की सेंटर में 102 लिखा हुआ है, और हमें ये बताना है कि हमारे पास जो ये साइड में लाइन्स हैं इन सब का सम करके 102 आना चाहिए, 102 आना चाहिए। सबसे ईजी है, आप ऐसे आपका कुछ भी आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे ईजी पार्ट क्या है, आप यहाँ से करना शुरू करो, क्योंकि आपके पास यहाँ पे तीन चीज़ें गिवन है, ये 36 प्लस 37 प्लस 38 हो गया, 102 में से 38 माइनस कर दो, 64 आपका आंसर आ जाएगा, तो आपके पास ये फिगर ये निकालना इजी है। इसी तरह से आपके पास ये नंबर तीनों है, तीनों को प्लस कर दो, 102 में से माइनस कर दो, 25 आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास ये दो नंबर हैं, सो आपको 102 में से 5 माइनस कर दो, जो भी आपके पास आएगा उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो, आपके पास ये दोनों आंसर हो गए, और टू पार्ट्स ऐसे होने चाहिए जो इसमें भी एप्लीकेबल होके 102 बन जाए। ठीक है, सो इजी है, आपको इनको प्लस करना है और ऐसे प्लस करना है एक लाइन का सम 102 बने, इस लाइन का सम 102, इस लाइन का 102, हर लाइन का सम मतलब 102 बने। चलिए पेज नंबर 49 पे आते हैं, विच व्हाट नंबर वुड कम इन द सेंटर ऑफ द कैंडल टू गेट द प्रोडक्ट गिवन ऑन द टॉप। बहुत इजी है, आपके पास जो कैंडल के ऊपर नंबर लिखा है आपको ये सारों का मल्टीप्लाई करके 48 बनना चाहिए, बहुत आसान है, 8 टू जा 16, 16 को 48 से डिवाइड कर दो, 16 थ्री जा कितना होता है, 48 आंसर आ गया। 7 टू जा यानी कि बेटे तीनों को मल्टीप्लाई करके 56 बनना चाहिए, 7 टू जा 14, 14 को 56 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 9 टू जा 18, 18 को 72 से डिवाइड कर दो, 4 आंसर आ जाएगा। सो मतलब इनका मल्टीपल करके हमारे पास कैंडल के ऊपर वाला नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट है, प्लेस फर्स्ट 9 मल्टीपल्स ऑफ 6 इन द मैनर इन द ब्लैंक्स इन सच अ मैनर दैट ईच रो एड्स अप टू 150। अच्छा 6 की मल्टीपल्स लिखने हैं और जो सम है हर रो का वो 150 ही बनना चाहिए, तो मतलब ऐसे नहीं है कि आप कहीं पर भी 6 के टेबल को घुसाते जाओ, नहीं, लेकिन आपके पास जो सम है वो 150 होना चाहिए, तो इस तरह से आप 6 का टेबल अप्लाई करोगे। जैसे यहाँ पे अपने अप्लाई किया 6 थ्री जा 18, अब 6 को 3 से कर दिया, फिर 5 से किया 30 आ गया, 6 7 जा 42 हो गया, 6 8 जा 54 हो गया, ये लाइन डन है, इस लाइन का सम करोगे 150 आ जाएगा। 30 गिवन है, 12 गिवन है, 6 में देख लो और कौन सा रह गया, अपने आप अंदाजा लगा लो, आधे तो हमारे पास मेंशन ही है ना बेटे, बाकी आधे हमने सोचने हैं, तो 16 और 6 रह गया, 4 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बार सारे हैं, जैसे यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ से 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9, एक एक बार आ रहे हैं सारे नंबर, कोई रिपीट भी नहीं है, रिपीट होता है तो प्रॉब्लम होती है। सो ईजी है, आपके पास सिर्फ 6 के मल्टीपल्स लिखने हैं ताकि उनका सम जो है वो 150 बन जाए। चलिए पेज नंबर
50 पे आ रहे हैं। आज का हमारा ये लास्ट पेज रहेगा, पेज नंबर 50, जो कि नंबर गेम है। रीड द गिवन इंस्ट्रक्शन केयरफुली एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। बहुत इजी है बेटे, ध्यान से देखना है आपको, इनको फिल करना है, कंप्लीट करना है। 0.515, 525, 535 इजी दिख रहा है आपको। 15, 25, 35, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 45, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 55, ठीक है। 4, 4.50, 4 का 2 ऐड कर दिया 6, फिर आगे 6.50, फिर 6 में 2 ऐड कर दिया 8, फिर 8.50। 4 का 4 के मल्टीपल्स लाने हैं, 4 2 18, 18 2 16, 16 2 32, 32 2 64, 64 2 128, ऊपर सबके ऊपर 1 है तो 1 ही रहेगा। इसकी बात करते हैं तो 125 का इसने नेक्स्ट नंबर क्या लिखा है, 251 कैसे लिखा है, बीच वाला नंबर पहले, मतलब उल्टा कर दिया 251। 347 को कैसे लिखेंगे, 473। 598 को कैसे लिखेंगे, 985। होपफुली आपको समझ आया होगा, हमने कुछ नहीं किया बेटे, ये दो नंबर्स एज इट इज लिखे और तीसरा नंबर बाद में लिख दिया। ई पार्ट है हमारे पास 9658547 43, सो इजी। 9 के बाद 8, 7 सिर्फ फर्स्ट डिजिट देखो पहले वाला 9876 54। सेकेंड डिजिट की बात करें 6543 21। लास्ट डिजिट की बात करें 543 210। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच शेप हैज द लार्जर पेरीमीटर। पेरीमीटर आपको बढ़ाया था, बताया था, अभी पढ़ाया था क्या था, क्या होता है लाइक उसकी बाउंड्री जो होती है उसके सम को बोलते हैं, उनका जो सम होता है आउटलाइंस का, दैट इज पेरीमीटर। आप इन चारों को प्लस करके देखो और इन तीनों को प्लस करके देखो, जिसका ज्यादा आएगा वो आपका आंसर है। आप प्लस करके देखोगे आपको इसका ज्यादा मिलेगा, सो योर आंसर विल बी अ स्क्वेयर। चलिए थर्ड क्वेश्चन, इंसर्ट द मिसिंग नंबर 1 to 25 इन सच अ वे दैट ईच डायगनल एडिशन बिटवीन द टू नंबर्स गिव्स द सेम टोटल ऑफ 38। हमारे पास इजीली एक सर्कल गिवन है जिसमें हमारे पास हाफ सर्कल के सॉल्यूशंस है और हाफ के नहीं है। बहुत आसान है, हमें ऐसा करना है कि उनके अपोजिट को हम सम करें तो 38 बनना चाहिए। जैसे कि 38 में से 20 को माइनस कर दो 18 आ गया, 38 में से 17 को माइनस कर दो 21 आ जाएगा, 38 में से 22 को माइनस कर दो 16, और 38 में से 23 को माइनस कर दो 15 हमारा सॉल्यूशन रहेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, काउंट द नंबर टी इन द वर्ल्ड अर्थमैटिक। अर्थमैटिक इसके अंदर टी को आपको बताना है आपके सॉल्यूशंस। ये बहुत इजी है अगर आप अभी कर लेते हो, आपके पास ये चीजें 8 क्लास से शुरू हो जाती है, 8 में, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। ये पार्ट है आपका प्रोबेबिलिटी का, प्रोबेबिलिटी आपको आगे कराई जाती है। अगर आपको ये कंसेप्ट यहीं समझ आ जाएगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, और है भी बहुत आसान, फ्री के मार्क्स होते हैं आपके। राइट इट्स फ्रैक्शन एंड परसेंटेज। आपको पहले बता रहा है नंबर ऑफ टी, इसमें टी कितनी बार आया हुआ, आप देखो ध्यान से, ये रहा टी, ये रहा टी, दो बार है, तो नंबर ऑफ टी क्या हो जाएगा 2। फ्रैक्शन की बात करें यानी कि टी जितनी बार है ऊपर वो, और जितने ये अल्फाबेट हैं टोटल, टोटल नंबर नीचे, टी दो बार है तो 2 ऊपर आ जाएगा। टोटल इसके अल्फाबेट कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 2 by 10 इनको कट कर लेंगे, 1 by 5 इसका फ्रैक्शन है। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करना, सो 2 by 10 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट, 2 into 10 20%, 20% हमारा जो है वो सॉल्यूशन है, हमारा जो है वो आंसर है। चलिए बच्चे आज की क्लास में इतना ही, इसमें आपका जीके कम और मैथमेटिक्स ज्यादा था, होपफुली आपको समझ आया होगा। सो अगर आपको कोई डाउट है, कुछ भी है, सो आप मुझसे पूछ सकते हो। सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आके पढ़ेंगे, टिल देन टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय बेटे।